युद्ध क्षेत्र में जल्द डिप्लॉयमेंट को लेकर जिस तरीके से कई स्पेकुलेशन लगाए गए हैं, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के F-35, F-16, A-10, F-15C, KC-46 इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड की जिस तरीके से ये पहली एक्सरसाइज है इस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि फिनलैंड के FA-18 सुपर हॉर्नेट भी इसका हिस्सा बताए जा रहे हैं। जल्द एक क्विक इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, आपको बताते हैं नेटो की एयर ड्रिल में कौन कौन से फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, कौन कौन से फाइटर जेट इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि टोर्नेडो को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि टोर्नेडो इसका हिस्सा है। इसके अलावा यूरो फाइटर के साथ साथ फाल्कन को लेकर भी बड़ी खबर है, साथ ही A-10, F-35, MQ-9, B-1, KC-46, ग्रिपेन और C-295M। ये जो सीरीज अभी हमने आपके सामने रखी है उन फाइटर जेट्स की है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस पूरी एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज में, क्योंकि बदले गए यूरोप में एयर ट्रैफिक के इंतजाम को लेकर भी अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी मनीष कर रहे थे, क्योंकि नेटो की ड्रिल का असर एयर ट्रैफिक पर भी जरूर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि ड्रिल की वजह से कई एयर स्पेस को बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। हालांकि इस ड्रिल के जरिए नेटो देश एकजुट होते हुए जो बड़ी चेतावनी दे रहे हैं उस पर तो सबकी नजर है, लेकिन इस बीच जितने दिन तक ये एयर ड्रिल जारी रहने वाली है उसको देखते हुए कई बड़े फैसले हो रहे हैं। और यही बड़ी खबर है कि नेटो की ड्रिल का असर एयर ट्रैफिक पर भी नजर आएगा और कई एयर स्पेस बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि यूरोपीय एयर ट्रैफिक पर ड्रिल के असर के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि तीन फ्लाइंग जोन पर सबसे ज्यादा असर, जहां नॉर्दर्न जर्मनी का नॉर्थसी वाला हिस्सा इसमें शामिल बताया जा रहा है जो इफेक्टेड होगा, और साथ ही जर्मनी का पूर्वी किनारा उस पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। तीसरा फ्लाइट जोन पर असर होगा दक्षिणी जर्मनी के छोटी स्ट्रिप पर, और महत्वपूर्ण यही है कि कोई हालात को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जहां यूरोपीय एरिया एयर ट्रैफिक दुनिया में सबसे बिजिएस्ट रूट में से एक माना जाता है। ऐसे में ये इंफॉर्मेशन साझा की जा रही है कि किस तरीके से ड्रिल का असर होगा और ड्रिल से सिविलियन एयर ट्रैफिक पर सबसे ज्यादा असर आने वाले कई दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि खास बात यही है एयर ड्रिल के साथ साथ सिविलियन ट्रैफिक जारी रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, इसीलिए कई महत्वपूर्ण फैसले हालात को देखते हुए लिए जा रहे हैं।